हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन वर्मा, आपका एमबीजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपको पता है हमारे पास सीबीएसई के लिए हमारे पास एक क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हमारे पास सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का हम सीरीज लेकर आए हुए हैं, और उसमें आज हमारे पास लेक्चर वन होने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का। और आज हमारे पास देखने हैं टोटल 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि सीबीएसई लगातार हमारे पास वर्ड बदल बदल के पूछा जा रहा है। तो आइए हमारे पास आज देखते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सीबीएसई बार बार पूछा जा रहा है, रिपीट में पूछा जा रहा है, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा कि आपको गाइडेंस मिलेगा कि आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन को डिजाइन किया हूं जिसमें से मैं 4, 5, 6 तरीके से क्वेश्चन लूंगा, और मैं एक ही में ही मैं आपको बता दूंगा, एक ही कंसेप्ट बता दूंगा, उससे सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इस टाइप से मैं क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन करके लाया हूं, ठीक है। और यही हमारे पास पूरे चैप्टर में देखिएगा, यही है। बाकी इसके अलावा हमारे पास जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा है, उस न्यूमेरिकल सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें से श्योर शॉट 5 न्यूमेरिकल पर हमारे पास कर रहे हैं, जिसमें से 5 न्यूमेरिकल लिया जा रहा है और पूरे चैप्टर को समझाया जा रहा है, वो भी हमारे पास चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। तो देखिए, आज हमारे पास सबसे पहला क्या है, व्हाट इज हेनरी लॉ, हेनरी लॉ क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है, हेनरी लॉ और इसके हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस क्या है। उसी के अंदर हमारे पास एक आता है, व्हाई एक्वाटिक एनिमल आर द मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर देन द हमारे पास वार्म वाटर। हमारे पास जो जलीय जीव जंतु रहते हैं, वो ठंडे पानी के अंदर हमारे पास कैसे अच्छे से रहते हैं, लेकिन उसको गर्म पानी हो जाए तो उसमें थोड़ा सा उनको ऑक्सीजन नहीं आता है, ऐसा क्यों होता है। फिर हमारे पास देखने वाले हैं राउट्स लॉ, राउट्स लॉ हमारे पास, राउट्स लॉ का स्पेशल केस हमारे पास हेनरी लॉ कैसे बनता है, उस चीज को भी हमारे पास इसी चीज में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आइए क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राउट्स लॉ क्या, सॉरी हमारे पास हेनरी लॉ क्या होता है। तो हेनरी लॉ से हमारे पास क्या कह सकते हैं, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ से हमारे पास इतना समझ सकते हैं कि हमारे पास हेनरी लॉ ने क्या कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। अगर हमारे पास सपोज मैं ए वाला मान लेता हूं, ये गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, तो मोल फ्रैक्शन भी क्या रहेगा, ए रहेगा। अगर मैं मान लेता हूं कि पार्शियल प्रेशर बी है, तो इसका मोल फ्रैक्शन भी कितना रहेगा, बी रहेगा। अकॉर्डिंग टू हमारे पास हेनरी लॉ, ये हमारे पास चीजें स्टेटमेंट निकल के आता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट मोल फ्रैक्शन, हमारे पास इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जैसे ही हमें पता है कि वैल्यू हटाते हैं, हमारे पास जब कांस्टेंट हटाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, KH लिख सकता हूं, और इसको मैं क्या कह सकता हूं, ये क्या है हमारे पास, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट हुआ करता है, ठीक है जी, ये हेनरी कांस्टेंट हुआ करता है, ठीक है जी। तो हमारे पास वही लिखा गया, हेनरी लॉ इज स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एक्स, जिसको हमारे पास दिखाया जा रहा है, जो कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा। और पी हमारे पास क्या है, पी बराबर में क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा KHX, वेयर द KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट होता है, और KH की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास वैल्यू हो रही होती है इसके अंदर। और क्या खास बात है कि KH की वैल्यू जिसकी ज्यादा रहती है, उसकी सोलिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। मेरे ख्याल से आपको इसके अलावा एक और भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले पे भी ध्यान देखिए। हमारे पास हेनरी लॉ का सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोलिबिलिटी। जिसका हम पार्शियल प्रेशर जिसका निकाल रहे हैं, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सोलिबिलिटी का। अगर मैं इसको हटाता हूं, तो मैं क्या कह सकता हूं, मेरे पास के टाइम्स ऑफ एच और सोलिबिलिटी कहा जा सकता है। ये बड़ी छोटी सी बात होती है, एनसीईआरटी के अंदर छुपा के लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली आप इसको सोलिबिलिटी के टर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास हेनरी लॉ के बारे में। हेनरी लॉ के बाद आते हैं हमारे पास राउट्स लॉ। राउट्स लॉ ने क्या कहा कि सर हमारे पास ऐसा चीज होता है, बात कुछ ऐसा होता है हेनरी लॉ में, हेनरी लॉ कहते हैं, हमारे पास हेनरी लॉ का बात हो गया, अब हमारे पास बात आया राउट्स लॉ। राउट्स लॉ में क्या कहा जाता है कि राउट्स लॉ कहते हैं कि सर जो भी पार्शियल प्रेशर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। किसके होगा जी, मोल फ्रैक्शन के। तो सर इसमें हेनरी लॉ और राउट्स लॉ में क्या फर्क होता है, ये कैसे होता है, कोई बात नहीं आइए आगे समझ जाएंगे। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है जी, मोल फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट लगता है, क्या लगता है जी, पी नॉट लगता है, क्या लगेगा जी, पी नॉट ऑफ टाइम एक्स लगेगा, यानी मोल फ्रैक्शन लगेगा। पी नॉट टाइम क्या लगेगा, मोल फ्रैक्शन, जिसका भी हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, जिसका भी निकालना होगा उसका मोल फ्रैक्शन। और हमारे पास कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, पी नॉट। और ये पी नॉट क्या होता है जी, पी नॉट होता है प्योर वाटर प्रेशर। प्योर हमारे पास, जब प्योर हमारे पास जो सॉल्वेंट रहेगा या सॉलिड रहेगा, किसी भी चीज का जो प्योर प्रेशर रहेगा, वो क्या कहलाता है जी, पी नॉट कहलाता है। प्योर प्रेशर क्या कहलाएगा जी, प्योर वेपर प्रेशर का हमारे पास जो भी रहेगा, क्या कहलाएगा, पी नॉट
कहला रहा होता है। ओके हाँ जी सर, ओके। तो आइए एक बार सिमिलैरिटी और एक बार डिसिमिलैरिटी देख लेते हैं। बताइए हेनरी लॉ से क्या कह सकते हैं, पी ऑफ ए बराबर किसके है भैया, ये है के ऑफ एच और मोल फ्रैक्शन के। हाँ जी सर, ये था हमारे पास किससे, हेनरी लॉ से था। दूसरा हमारे पास राउट्स लॉ से था, क्या था, पी बराबर में क्या था, पी नॉट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, जिसका भी निकालना है, किससे था जी, राउट्स लॉ से। हाँ जी सर, इतना बात समझ में आ गया। अब बताओ क्या दोनों का पार्शियल प्रेशर अगर सेम है, मैं दोनों इक्वेट कर देता हूं, मैं हेनरी लॉ और राउट्स लॉ को दोनों को इक्वेट कर देता हूं, तो क्या कह सकता हूं, मेरे पास के एच टाइम्स क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा जी, P नॉट टाइम्स ऑफ में मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन से मोल फ्रैक्शन कट जाएगा, यानी के एच बराबर में क्या हो जाएगा, के एच बराबर में हो जाएगा P नॉट। और इस टाइम पे हम क्या कहेंगे, इस टाइम पे हम कहेंगे जो हमारे पास राउट्स लॉ है, स्पेशल केस है किसका, हेनरी लॉ का। कौन सा कंडीशन रहेगा, जब हमारे पास पी नॉट की वैल्यू के एच के बराबर हो जाएगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, राउट्स लॉ बन गया है स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ का। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन बहुत झमाझम पूछे जाते हैं, तो आप इस पर थोड़ा सा मेहनत करिए और चीजों को देखिए। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये स्लाइड है, और इस स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं एप्लीकेशन देखा जा रहा है किसका, हमारे पास हेनरी लॉ का एप्लीकेशन देखा जा रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए भैया, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, जो हमारे पास जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, वो एप्लीकेशन है किसका, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है। जब हमारे पास किसी भी एक सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पास डाला जाता है, हाई प्रेशर पे लगाया जाता है, किस लिए डालते हैं, ताकि उसकी सोल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड का सोडा के अंदर मिक्स हो पाए, और इसी को हम क्या कहते हैं जी, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डिजोल्व होता जाएगा, सोडा का वो अंदर डिजोल्व होता रहेगा, तो इसको कहेंगे हमारे पास एप्लीकेशन हो गया है हेनरी लॉ का। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्या है जी, स्कूबा ड्राइवर जो पानी के नीचे जो गोताखोर होते हैं, जो जाते हैं हमारे पास समुद्रों के अंदर पानी के नीचे कुछ तैराकी करने, उन पे हमारे पास इस्तेमाल होता है। उनके अंदर जैसे जैसे हमें पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोलिबिलिटी, जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे पास सोलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पानी के नीचे जाते जाते हमारे पास जैसे ही टच करेंगे, हमारे पास प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो सोलिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारे पास सोलिबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो जो भी गोताखोर रहेगा उसके ब्लड के अंदर जो भी ऑक्सीजन रहेगा, वो बहुत अच्छे से ज्यादा मिक्स होने लग जाएगा, यानी ज्यादा उसका डिजोल्यूशन हो जाएगा, सोलिबिलिटी उसके बढ़ जाएगा। दिक्कत इसके अंदर नहीं है, दिक्कत कब है, जब वो गोताखोर ऊपर आ रहा होगा, और जैसे ही गोताखोर ऊपर आएगा तो हमारे पास पता है, जैसे वो हमारे पास आएगा, यानी प्रेशर क्या होगा, ऊपर आते हुए प्रेशर क्या हो जाएगा, तब यही जो प्रेशर बढ़ा हुआ था वो प्रेशर क्या हो जाएगा जी, वो प्रेशर डिक्रीज होने लग जाएगा, तो सोलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सर कहोगे इसमें क्या दिक्कत है, फिर दिक्कत इसके अंदर भी नहीं है, अगर उसके अंदर ब्लड के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन मिक्स हुआ है, तो ऑक्सीजन दोबारा हमारे पास प्रेशर कम होने से बाहर वेपर बनके उड़ना भी चाहेगा, है कि नहीं है जी। हाँ जी सर, उड़ना तो चाहेगा, जैसे ही उड़ेगा तो हमारे पास उसके ब्लड के अंदर हमारे पास बबल्स बन जाएंगे, और उसी बबल्स के वजह से हमारे पास उसको बहुत ज्यादा पेन होने लग जाएगा, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि प्रेशर तो बहुत ज्यादा कम हो गया, सडनली हमारे पास कम हो गया, और उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस वाले को हमारे पास क्या कहा जाता है, इस वाले बीमारी को क्या कहते हैं, बेंट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इस वाले बीमारी को क्या कहेंगे, जो इससे हमारे पास जो डिजीज होगा, उस डिजीज को क्या कहा जाएगा जी, उससे कहेंगे हमारे पास बेंट कहा जाएगा। ओके जी, हमारे पास बेंट कहा जाएगा। अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए हमारे पास बताओ, ये जो सिलेंडर हुआ है हमारे पास सिलेंडर, इसके अंदर हमारे पास तीन मटेरियल डालते हैं, ठीक है जी, इसके अंदर तीन गैसियस का मिक्सचर होता है इस मटेरियल के अंदर। पहला हमारे पास ध्यान दीजिए, पहला हमारे पास होता ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना परसेंट हो जाती, 32% हमारे पास ऑक्सीजन हो रहा होता है, ठीक है जी, 32% ऑक्सीजन। नाइट्रोजन पे ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, 56% होता है, सारे परसेंटेज के अंदर है। और एक होता है हमारे पास हीलियम, हीलियम कितना परसेंट होता है, 11% हो रहा होता है। हाँ जी बात सही है कि सर इसके अंदर इससे हमारे पास करके बचा जा सकता है इसके लिए। तीसरा हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है, वो एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, थर्ड हमारे पास एप्लीकेशन क्या होता है, हेनरी लॉ का। हेनरी लॉ का थर्ड एप्लीकेशन क्या है, जैसे जैसे हमारे पास जो क्लाइमर होते हैं वो पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, कहाँ पे चढ़ते हैं जी, पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, तो हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास वो ऊपर चढ़ते रहेंगे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा कम। पहाड़ के ऊपर चलने से हमारे पास प्रेशर क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, और प्रेशर तो था डायरेक्टली प्रोपोर्शन सोल्युबिलिटी का, तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जल्दी जल्दी मिक्स नहीं हो पाएगा, उसकी सोल्युबिलिटी कम हो चुका है। लेकिन अगर सोल्युबिलिटी कम हुआ है तो यानी उसके जो हमारे पास ब्लड के अंदर उसका हमारे पास क्या जाएगा, ऑक्सीजन भी लिमिटेड जाएगा, और इसके वजह से हमारा दिमाग, जो हमारे पास दिमाग को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, और वो काम करना बंद कर देगा, तो हमारे सर में हमारे पास सर दर्द हो जाएगा, और हमारे पास वोमिटिंग वगैरह भी चीजों को आने लग जाएगा। और इस वाले जो हमारे पास हालात बनेंगे, इस हालात को क्या कहते हैं, एनोक्सिया। ठीक है जी, क्या कहेंगे, एनोक्सिया कहेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास इसको एनोक्सिया कहेंगे, ये भी हमारे पास एग्जांपल होता है। अगला जो फोर्थ हमारे पास होता है, फोर्थ हमें पता है टेम्परेचर वाला। ठीक है जी, टेम्परेचर वाला, जैसे जैसे हमारे पास क्या बढ़ाएंगे जी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। हम गैसियस के अंदर बात कर रहे हैं, आप बताओ हमारे पास घर के अंदर पानी है, उसके अंदर हमने कुछ मिला रखा है, तो गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका हमारे पास धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास यही होता है, समुन्द्र के अंदर जो मछलियां रहती हैं, उस मछलियों को हमारे पास जैसे ही ठंडा रहती है, यानी टेम्परेचर कम रहता है, अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो उसकी सोल्युबिलिटी कैसा रहेगा, ज्यादा हो पाएगा, और वो ज्यादा अच्छे से कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन पानी जैसे जैसे गर्म हो रहा है तो उनकी सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, और उनको सांस लेने में दिक्कत आएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पक्का है इस बार एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए भाई, हमारे पास क्या है, डिफरेंस बताना है आइडियल नॉन आइडियल में, व्हाट इज द मीनिंग बाय द पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, ये सारे मैं सबके लिए आप लोगों को एक जुगाड़ बताता हूँ, सब सारे क्वेश्चन पे आंख बंद करके दुनिया के किसी भी क्वेश्चन पे लगाना, धड़ाधड़ लगेगा, और इस टेबल से बाहर ज्यादातर पूछे जाने के कोई भी हमारे पास चांस नहीं होता। तो आइए एक बार इस टेबल को देख लेते हैं, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, मैं सारा सब आपको एक साथ ही बता देता हूँ। चलिए आइए, हमारे पास जो सॉल्यूशंस होता है उसको हमने दो कैटेगरी में बांटा। ठीक है जी, अगर कोई चीज हमारे पास राउट्स लो को फॉलो कर रहा था तो उसको हम कह रहे थे क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन राउट्स लो को हर एक टेम्परेचर और हर एक प्रेशर पे फॉलो कर रहा था तो क्या कहते हैं जी, राउट्स लो होता है। लेकिन अगर जो प्रेशर और हमारे पास किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्रेशर पर जो फॉलो नहीं करेगा तो क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन कहेगा। और नॉन आइडियल में याद तो हो सकता है हमारे पास राउट्स लो से आगे चला जाए तो उसको कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन, या राउट्स लो से पीछे चला जाए तो क्या कहेंगे उसको, नेगेटिव डेविएशन। एक्चुअली में बात है कि इससे राउट्स लो से हमारे पास मेजरमेंट किया जा रहा है, अगर राउट्स लो से आया तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। हमारे पास राउट्स लो के ऊपर ही आ गया तो क्या कहेंगे, क्या हमारे पास तब कहेंगे हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन। राउट्स लो से ऊपर चला गया तो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन, राउट्स लो से नीचे आ गया तो क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन कहा जाएगा। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास सबसे पहला बात क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन हर एक टाइम पे हमारे पास राउट्स लो को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास जो होते हैं या तो हमारे पास दोनों फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो या नेगेटिव डेविएशन होता है, कोई सा भी हमारे पास फॉलो नहीं कर रहा होगा। ओके सर, इतना बात समझ में हमें आ गया। दूसरा हमारे पास डेल्टा ऑफ मिक्सिंग, हमारे पास जो इंथैल्पी चेंज होगा, अगर हमारे पास इंथैल्पी चेंज होगा, हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास इंथैल्पी चेंज नहीं होता है, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर इंथैल्पी चेंज नहीं होता है, और हमारे पास नॉन पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है भैया, ये एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, क्या होता है, ये एंडोथर्मिक होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग हमारे पास कितना होता है आइडियल सॉल्यूशन में, जीरो होता है, लेकिन हमारे पास इसमें क्या होता है जी, एंडोथर्मिक होता है, यानी एनर्जी इसको देना पड़ता है, और एक्सो हमारे पास क्या होता है, एनर्जी इसको देना पड़ेगा, और हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक होगा, यानी इसमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ठीक है जी, रिलीज हो रही होती है, ये हमारे पास दूसरा फैक्टर होता है इंथैल्पी का। तीसरा होता है हमारे पास कौन सा, वॉल्यूम वाला, हमारे पास दो चीजों को मिलाने पर उसका जो वॉल्यूम सेम आ रहा है, जितना हमने सोचा था उतना ही आ रहा है, तो क्या कहेंगे, आइडियल सोल्यूशन कहलाता है। अगर उससे ज्यादा आ गया तो क्या कहेंगे, हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन हुआ, अगर उससे कम आएगा तो क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन हुआ है। ठीक है जी, नेगेटिव डेविएशन हुआ है। ओके सर, बहुत अच्छा। ठीक है जी, अगला हमारे पास देखते हैं चौथा, चौथा हमारे पास क्या है, अगर किसी चीज को मिलाने से हमने जितना प्रेशर सोचा था उतना ही प्रेशर आ रहा है तो क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन, यानी जो हमने कैलकुलेशन किया था हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो आ रहा था उतना आया तो क्या कहेंगे, हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, यानी हमारे पास क्या है, पी ऑफ हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को जोड़ के जो हमारे पास टोटल प्रेशर आ रहा है एग्जैक्ट हमारे पास सेम आ रहा है तो क्या कहेंगे, हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है। अगर उस प्रेशर से ज्यादा आ गया तो क्या कहेंगे, हमारे पास
पॉजिटिव डेविएशन उस प्रेशर से कम आ गया तो क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन हम कह रहे होंगे। बेहतरीन। अगर हमारे पास अगला हमारे पास देखेंगे फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है, अगर हमारे पास ए इंटरेक्शन, कैसा ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन अगर ये बराबर हो जाए ए बी इंटरेक्शन के, तो इस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा कैसा बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। यानी इनके अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हमारे पास ज्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए, छोटा मोटा चलता है लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारे पास ऐसा है ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन तीनों आपस में बराबर है तो क्या कहलाएगा, ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन अगर ए इंटरेक्शन ज्यादा है और ए बी इंटरेक्शन कम है, ए इंटरेक्शन ज्यादा है ए बी इंटरेक्शन कम हो गया तो नेगेटिव डेविएशन आएगा। अगर ए बी इंटरेक्शन ज्यादा हो गया सॉरी अगर हमारे पास ए बी इनका इंटरेक्शन जो हमारे पास वो वीक हो गया, अगर ए बी बी का इंटरेक्शन हमारे पास वीक हो गया तो आएगा पॉजिटिव डेविएशन। अगर उसका ए बी और ए बी का इंटरेक्शन हमारे पास ज्यादा आ गया तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पे मुद्दा यह है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया यानी हमारे पास वो वोलेटाइल नहीं होना चाह रहा तो क्या आएगा, नेगेटिव डेविएशन। अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो क्या आएगा, पॉजिटिव डेविएशन आएगा। इसका सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि आप इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के सारे चीजों को सॉल्व करो, ये बहुत अच्छे से आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। अभी तक आपने पढ़ा भी होगा, आप लोगों को ये चीजें पता चल रहा होगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है जी, अगला हमारे पास क्या है, अगला बताओ अगर ये ऐसा है तो हमारे पास, जब हमारे पास इसको क्या करेंगे, स्केपिंग टेंडेंसी जितना पहले रहेगा उतना बाद में भी रहेगा। अगर हमारे पास ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन अगर जो सब कुछ सेम है, तो अगर इसकी इस हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास इसको स्केप होने की टेंडेंसी देखा जाए तो दोनों कैसे रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। लेकिन अगर ज्यादा स्केप हुआ, ज्यादा वेपर्स बने, तो इसका क्या मतलब, वो पॉजिटिव डेविएशन है। अगर वेपर कम बने तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव डेविएशन कहला रहा होगा। बेहतरीन सर, आइए अब इसी में आगे बढ़ रहे होते हैं। ये हमारे पास ये वाला स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसमें देखिए, अगर हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन रहेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप इस चीज को जानते हो, अभी तक आपने इस चीज को पढ़ लिया होगा, ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ग्राफ थोड़ा सा क्या करना है, ऊपर से बना देना है, बस यही काम है। ठीक है जी, यही हमारे पास काम है। ये ग्राफ भी इन्होंने गलत बनाया है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास क्या है, इस टाइप से ग्राफ बनेगा, हो सकता है प्रिंटिंग का एरर हो गया होगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। आगे देखिए, अगर नेगेटिव डेविएशन है तो क्या आ जाएगा जी, ये नीचे की तरफ हमारे पास आ रहा होगा, ये ग्राफ ऐसा हम बना रहे होंगे। हाँ जी सर, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है इसका क्या, इसके एग्जाम्पल को याद रखना। और इसके एग्जाम्पल को याद रखने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास बेंजीन और टोल्यून, क्या पता चल रहा है, बेंजीन और टोल्यून में ज्यादा कोई फर्क है नहीं मोलर मास का। तो हम क्या कहेंगे, जिसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं रहेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा हमारे पास कैसा, आइडियल सॉल्यूशन। क्या बनेगा जी, आइडियल सॉल्यूशन। जैसे बेंजीन और टोल्यून, हमारे पास एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, हमारे पास क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, मिथाइल हमारे पास क्या, ब्यूटाइल क्लोराइड और ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जो आसपास के रहेंगे कैसा बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अगर किसी के अंदर, ध्यान रखेंगे, पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर वो कोई हमारे पास किसी के साथ सॉल्यूशन में आ गया तो 100% ध्यान रख लेना, वो कैसा बनाएगा, वो बनाएगा पॉजिटिव डेविएशन। पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोबारा यहाँ टूट जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, और जैसे ही टूट जाएगा तो हमें पता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब टूटेगा तो दिक्कत तो होगा, तो कैसा आएगा जी, पॉजिटिव डेविएशन। जैसे देखो, इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसीटोन के अंदर नहीं होता तो कैसा आएगा, पॉजिटिव डेविएशन। एसीटोन और CH2, यहाँ पे CH2 है, वॉटर और इथेनॉल, वॉटर और इथेनॉल। हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोल्यून, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म, ClCl3 है जी। एसीटोन और हमारे पास बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉन और इथेनॉल, ये सारे कैसे दिखाते हैं जी, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे होते हैं। ठीक है जी, आइए नेगेटिव डेविएशन के हमारे पास एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या है, पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, क्या हो, पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, लेकिन जैसा उन्होंने सॉल्यूशन बनाया और उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो गया, आ गया कहीं से, तो हम क्या कहेंगे, वो कैसा आया जी, वो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन में आएगा। जैसे क्या है, एसीटोन,
एनिलीन, क्लोरोफॉर्म और हमारे पास क्या है एसीटोन, मिथेनॉल हमारे पास क्या है मिथेनॉल और हमारे पास क्या है एसिटिक एसिड, वाटर और एसिड, ये भी ध्यान रखेंगे जितने भी एसिड वाटर में आते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं और जो एक्सोथर्मिक होता है सारे के सारे नेगेटिव डेविएशन में आ रहे होते हैं। फिर क्या है क्लोरोफॉर्म और डाइमिथाइल डाइथाइल इथर, वाटर और एचसीएल, एसिटिक एसिड और पाइरिडीन, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, सारे के सारे कैसे होते हैं नेगेटिव डेविएशन होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको इस पे एक और टिप देना चाहता हूं, ये ध्यान रखेंगे हमारे पास, अगर आइडियल सॉल्यूशन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो जो इसका एजियोट्रोप बनेगा, क्या बनेगा जी एजियोट्रोप बनेगा, वो कैसा बनेगा, वो बनेगा मिनिमम, कैसा बनेगा जी मिनिमम बन रहा होगा। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर कैसा एजियोट्रोप बनता है जी मिनिमम एजियोट्रोप बनता है और नेगेटिव डेविएशन के अंदर बताओ जी इसका उल्टा कर दो क्या बनेगा मैक्सिमम एजियोट्रोप बनेगा। ये बातें ध्यान रख लेना, ठीक है जी, ये बातें ध्यान रख लेना, बिल्कुल गारंटी के साथ है कि आएगा ही आएगा, ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए आप लोगों के लिए पूरे चैप्टर का रिवीजन लेके आया हूं, पूरे चैप्टर एंटायर चैप्टर कुछ भी नहीं छोड़ा हूं इस चैप्टर के अंदर, जो मेरे 10 क्वेश्चन है पूरे महारथी आपको देने वाले हैं और इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल सेशन लगाना ना भूलिएगा प्लीज। आइए देखिए डिफाइन करना है मोलैलिटी मोलैलिटी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर एविलेशन कॉन्स्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस। हालांकि मैं सबका मैं आपके पास डेफिनेशन लेके आया हूं आप इसको देखते रहिए, लेकिन आप लोगों को पता है कि इन सारे चीजों को हमें कैसे करना है। बताइए मोलैलिटी का डेफिनेशन कैसा होता, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट क्या मोलैलिटी है, छोटी मम्मी से बड़ी सतर्क रहना है, क्या बनेगा जी मास ऑफ सॉल्वेंट किसके अंदर केजी के अंदर, लेकिन हमें पता है बेवकूफ बनाने वाला बात है, हम ऐसे लिखते हैं गिवन मास वाई में मोलर मास, इनटू में क्या लिखते हैं जी थाउजेंड, डिवाइड में क्या लिखते हैं मोलर मास, किसके अंदर, किसके अंदर जी ग्राम के अंदर लिखते हैं। आया बात समझ में, हाँ जी सर आ गया। दूसरा देखो कैपिटल एम हमारे पास बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी किसके बराबर होती है जी मोलर मास सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर लीटर के अंदर, लेकिन ये भी बात पता है आपको ये किसी काम के नहीं होते हैं फॉर्मूले, ये सिर्फ दिखाने दिखाने के काम होते हैं। नंबर ऑफ गिवन मास बाय मोलर मास इनटू क्या करेंगे जी थाउजेंड, डिवाइड बाय क्या करेंगे वॉल्यूम करेंगे किसके अंदर एमएल के अंदर, और ये ध्यान रखेंगे बट छोटी मम्मी होती है इसको हमारे पास टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन जो बड़ी मम्मी है ये टेम्परेचर से इनको तकलीफ है, ठीक है जी। बड़ी मम्मी हमारे पास टेम्परेचर के साथ इसको हमारे पास आग लगाओगे तो भड़क जाएंगी और छोटी मम्मी को आग लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। आइए आगे बात करते हैं, फिर आते हैं हमारे पास क्या जी जाई, क्या है था भाई जाई यानी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बेहतरीन चीज ये भी हमारे पास क्या होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर बताओ जी टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर टेम्परेचर बताइए जी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, बेहतरीन। ये था हमारे पास क्या था डेफिनेशन, आपको देखना रहेगा तो आप देख लीजिएगा मोलैरिटी मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारे पास क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं जो कि किसी चीज पे डिपेंड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करते हैं नंबर पे, क्वांटिटी कितनी है जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं, बाकी और किसी चीज पे नहीं करते, अमाउंट ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं, उनके नेचर से बिल्कुल फ्री रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। मोलर एविलेशन कॉन्स्टेंट क्या होता है भैया, आइए ये देखो डेल्टा टीवी बराबर में क्या भैया केवी इंटू में मोलैलिटी, अगर हमने मोलैलिटी कितना कर दिया यूनिटी कर दिया यानी वन कर दिया, तो बताओ भैया हमारे पास टीवी किसके बराबर हो जाएगा, ये टीवी किसके बराबर हो जाएगा केबी के बराबर, और यही हमारे पास डेफिनेशन होता है किसका मोलर, हमारे पास मोलर इवोल्यूशन कांस्टेंट के बराबर हमारे पास इसका डेफिनेशन हो गया, कब जब हमारे पास मोलरिटी वन यूनिटी के बराबर रख दिया जाएगा तब हम ऐसी ऐसी बातें कर सकते हैं, है कि नहीं है भैया बात सही है, अगर बात सही है तो कमेंट में हाँ हाँ बोलना भैया, ठीक है जी हाँ बोलना पड़ेगा। ओके जी हाँ जी सर इतना बात हमें समझ में आता है। आगे आइए हमारे पास क्या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आइए ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास देख लीजिए,
क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द, हमारे पास क्या है, इज द एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सोलवेंट इन टू द सोल्यूशन थ्रू द सेमी परमेम्ब्रेन। हमारे पास वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो हम प्रेशर लगा रहे हैं किसको, हमारे पास किसको करने के लिए जी, अप्लाइड लगा रहे हैं जो सॉल्वेंट को हमारे पास क्या प्रिवेंट कर रहा है उसको, हमारे पास उसको चेंज करने से, उसको आपस में सॉल्यूशन से मिक्स होने के लिए बचाया जा रहा है, इसको कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जा रहा है। फिर हमारे पास आगे बात करिए रिवर्स ऑस्मोटिक क्या होता है, ये प्रेशर हमने ज्यादा लगा दिया, ये प्रेशर हमने उल्टा डायरेक्शन में ज्यादा लगा दिया तो क्या कहेंगे, इसी चीज का हमारे पास क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और क्या कहेंगे हमारे पास क्या जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा होता है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आपने सारे डेफिनेशन पढ़ लिए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहा जा रहा है, वेंड हॉफ फैक्टर क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, वेंड हॉफ फैक्टर क्या होता है और कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है हमें पता है, एसोसिएशन डिसोसिएशन। वेंड हॉफ फैक्टर क्या होता है, अगर कोई ऐसा कंपाउंड जो कि हमारे पास पहले तो कुछ और था और बाद में उसके रूप रंग बदल जाते हैं तो ऐसा चीज क्या कहलाएगा, वेंड हॉफ फैक्टर, उसके रूप और रंग की हमारे पास धज्जियां उड़ाएंगे कैसे कैसे निकलता है। तो वेंड हॉफ फैक्टर क्या है, वह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखें वह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्सपेरिमेंटल हुआ है डिवाइड बाय में क्या करेंगे, वह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने कैलकुलेट करके निकाला हुआ है, यानी हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय में क्या करेंगे, हमारे पास नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये चीजें क्या कहलाएगा, ये वेंड हॉफ फैक्टर निकालना कहलाता है। और ये भी ध्यान रखेंगे वेंड हॉफ फैक्टर हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितना होता है, 100% होता है, यानी 1 होता है, तो इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आई फैक्टर हमारे पास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इस चीज को देखिए, आई फैक्टर जैसे मान लीजिए आपके पास NaCl है, तो बताओ इसको तोड़ेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2, तो इसका आई कितना आ जाएगा, 2। डायरेक्ट जितने नंबर ऑफ आयंस हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं उनको जोड़ दो, सारे क्या बन जाता है, वेंड हॉफ फैक्टर हो जाता है। तो सर ये आई डिसोसिएशन क्या होता है और एसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन होता है जैसे आपने ये तोड़ा Na प्लस आपने Cl को ऐसा तोड़ दिया, ये चीज क्या कहलाता है, डिसोसिएशन। तो हमारे पास वेंड ऑफ दो टाइप का होता है, कौन सा, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अगर वो टूट जाता है, मान लेता हूं मेरे पास क्या है, कोई A B पहले था और ये टूट गया, कैसे, A पॉजिटिव में और B नेगेटिव में, तो इसको क्या कहेंगे, डिसोसिएशन। और एसोसिएशन क्या होता है, मान लेता हूं मेरे पास पहले कुछ ऐसे अलग अलग थे, अलग अलग थे और बाद में कैसे बन जाएंगे, एक ही बन जाएंगे, तो ऐसा क्या कहलाएगा, हमारे पास क्या हो रहे हैं, एसोसिएशन हो रहा है इनका, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन, हमारे पास दो न्यूमेरिकल भी आप लोगों के लिए जानबूझ के डाले हैं ताकि आप लोगों का न्यूमेरिकल वाला भी प्रॉब्लम खत्म हो पाए, हो जाए, लेकिन फिर भी आप लोगों को न्यूमेरिकल वाला क्लास जरूर लगाना है, उसमें भी टॉप 5 मैं न्यूमेरिकल आपको चूज करके लाया हूं जिसमें पूरे चैप्टर का मैंने रिविजन देने का कोशिश किया है। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग 100 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। फिर हमारे पास कहां आता है जी, भैया बाबा वाला कहानी लगाओ, क्या होता है भैया, बाबा का डब्बा बनाओ और डब्बा में क्या करना है भैया, डब्बा में करना है हमारे पास ऐसा मटेरियल डालना है। आइए चेक करिए अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सॉल्यूशन के भैया न्यूमेरिकल तो ऐसे होते हैं, बाकी अगर जो इसके अलावा कुछ करते हो तो कमेंट में बताना कि और कैसे कर रहे हो। देखो हमारे पास क्या है, इसके अंदर क्या डाला जा रहा है जी, 10 ग्राम कुछ फेंका जा रहा है, तो इसको क्या कहूंगा मैं, गिवन मास कहूंगा। ठीक है जी, गिवन मास कितना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का हमारे पास डाल रहे हैं किसके अंदर, ये है हमारे पास 200 ग्राम, 200 ग्राम के अंदर हमारे पास कुछ डाला गया, 10 ग्राम डाला गया हुआ है और हमारे पास वाटर के अंदर डाला हुआ है, यानी इसके बारे में बता रहे क्या है, ये वाटर है और इट्स वेपर प्रेशर हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आया, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आया, 31, ये आया हमारे पास कितना, 31 में 84 mm of Hg हमारे पास आया सॉल्यूशन का, और हमारे पास कैलकुलेट करना, और इसका हमारे पास जो टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 डिग्री सेल्सियस हमारे पास दिया हुआ है, ठीक, केल्विन दिया हुआ है, ओके केल्विन दिया हुआ है। और कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताना, हमारे पास अभी तो मत बताना, बाद में जरूर बताना कि हमारे पास जो 3 डिग्री होती है हमारे पास क्या है, केल्विन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो इसमें 2 का शादी हो गया और 1 कुआरा क्यों है, केल्विन कुआरा क्यों, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है जी, और बाकी हमारे पास कमेंट करिएगा तो इसके बारे में मैं बताऊंगा ये कुआरा क्यों है,
या क्यों है, लड़का है लड़की, बाद में बात करेंगे। और हमें बताना भैया क्या बताना है, इसका मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। क्या करना है जी? मोलर मास कैलकुलेट करना है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, जैसे हमने इसके नॉन हमारे पास वोलेटाइल डाला, आपके दिमाग में एक चीज खटक जाना चाहिए और वो क्या है, ये है भैया हमारे पास क्या है, RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितनी बार आप लोगों को चीख चीख के बताया गया है कि ऐसे चीजों में हमारे पास श्योर शॉट रहता है, ऐसा ही करना होता है। फालतू चीज हमारे पास, मैं तो ये सारे लिखता भी नहीं हूं, मैं तो डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला लगाता हूँ। भैया अपना स्टाइल देखो, भैया सिग्मा स्टाइल देखो, पी नॉट ऑफ माइनस में पी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई में हमारे पास क्या है, पी नॉट बराबर में। तुम्हारे लिए मैं लिख के बता रहा हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होता है, इसको ऐसा लिख दिए। और ऐसा लिखने के बाद हमने इसको थोड़ा खोल के लिखा, तो क्या लिखा, पी नॉट ऑफ एस माइनस में पी ऑफ एस पी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई में पी नॉट बराबर में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहां तक करने के बाद बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, अपना बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं, हमारे पास पी ऑफ बी को क्या कर दे, जीरो के बराबर कर दे, क्योंकि इससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आइए अगर हमने इसको बदल दिया तो बताओ क्या लिखना है, पी ऑफ नॉट माइनस में पी ऑफ एस डिवाइड बाई में क्या लिखेंगे, पी नॉट बराबर में क्या लिखेंगे, गिवन मास ऑफ किसका, बी का डिवाइड बाय मोलर मास किसका, बी का इनटू में मोलर मास किसका, ए का डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ किसका, ए का। बात है कि नहीं है भैया, मैंने इतना तो दिमाग नहीं लगा रहा कि एक मैंने क्या कर दिया, भैया नीचे वाले को गिवन मास बाय मोलर मास हमारे पास उल्टा चेंज हो जाएगा, सारी वैल्यू आपको पता, धड़ाधड़ डालो और आंसर निकालो। ये लो क्या निकालना भैया, पहले कितना भैया हमारे पास बताओ, प्योर वाटर का कितना है दिया हुआ 32 माइनस में क्या करेंगे 31 पॉइंट में क्या करेंगे 84 दिया हुआ है, डिवाइड बाय में क्या करेंगे 32 करेंगे, डिवाइड बाय में गिवन मास कितना है 10, मोलर मास हमें निकालना है सॉल्यूट का, इनटू में हमारे पास मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना 18 और गिवन मास हमारे पास कितना दे रखा है 200 दे रखा है। बहुत खूब, इसको हमारे पास माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.16 डिवाइड बाय में 32 बराबर में 180 डिवाइड बाई में क्या करेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई में क्या करेंगे 200। अब बताओ ईमानदारी से बताइए, हमारे पास इस वाले जीरो को हटाएंगे, यहाँ पे दो जीरो कट जाएगा, इससे काटेंगे तो दो काटा, 200 से 200 कट गया। अब लाया दिमाग में पहले क्यों नहीं काट रहा था, ज्ञानी मत बनो, यहाँ पे बताओ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 1 और यहाँ कितना बनेगा 180 डिवाइड बाई में मोलर मास, 180 डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और इसको प्यार मोहब्बत से लगाएंगे तो क्या बनेंगे, मोलर मास डिवाइड बाई में कितना बनेगा 180 ग्राम पर मोल बन जाएगा। और हमें पता है कहीं ना कहीं ये पक्का क्या होगा, वो चीनी होगा, ठीक है जी, कैसा होगा, चीनी होगा, ग्लूकोज होगा उसके अंदर, तभी जैसे कैसा काम हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। लास्ट सेक्शन हमारे पास लेते हैं, इसमें यही हमारे पास क्वेश्चन लेते हैं जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है, अभी देखना 2 सेकंड के अंदर इसका कैसे इलाज करते हैं, ठीक है जी। और बाकी ढंग सा इलाज देखना है तो आप हमारे रेगुलर क्लास को ज्वाइन कर दे, थोड़ा फास्ट मोड पे चल रहा है इसीलिए इसका इलाज हो नहीं पा रहा है। आइए, हमारे पास 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, हमारे पास डिजोल्व 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, कुछ मत सोचो लोअरिंग हो रहा है यानी पक्का, हमें क्या लगाना है चेक करके बताओ, या बताओ तुम करोगे या मैं करके दिखाऊं, करोगे या मैं करके दिखाऊं, ऐसे क्वेश्चन को तो भाई मैं ऐसा छूता भी नहीं हूं, डायरेक्ट बताओ हमारे पास अंदर निकालना क्या है, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट पूछा करो भैया निकालना क्या है, तो हमें निकालना क्या है, हमारे पास फाइंड द मोलर मास। ओके, डाटा देखो हमारे पास, ये देखो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है यानी KF दे रखा है, कुछ मत करना, KF दे रखा है यानी क्या दिया हुआ भैया ये बताओ, अगर एक कम होता है यानी क्या देखो डेल्टा TF दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट और निकालना सीखो, डायरेक्ट डेल्टा TF है क्या है, गिवन मास, और हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, कुछ मत देखो डायरेक्ट निकालो फॉर्मूला, क्या बनता है डेल्टा ऑफ TF बराबर में क्या करें, क्या करें, KFD इनटू में क्या करेंगे मोलरिटी, ये सब मत कुछ करो डायरेक्ट लगाओ, डेल्टा ऑफ TF बराबर में क्या करना है KF इनटू में गिवन मास इनटू में 1000, गिवन मास इनटू में 1000 डिवाइड बाय में मोलर मास ऑफ बी इनटू में हम क्या करेंगे इनटू में मास ऑफ ए, ध्यान रखना है छोटी मम्मी से बड़ी सतर्क रहना है भैया, छोटा मम्मी मतलब इसमें सिंगल वाला ही लेना है, कोई यहाँ पे पूरा मत ले लेना भैया, गलती से बर्बाद हो जाओगे। आगे सारी वैल्यू तो दिया हुआ है, डायरेक्ट घटा घट इसके अंदर डालते रहो, क्या है भैया
जीरो पॉइंट में 40 केएफ की वैल्यू चेक करो भैया हमारे पास कितना है 5.12 इंटू में गिवन मास कितना है 1 इंटू में क्या है 1000 डिवाइड में मोलर मास हमें निकालना है बी का और इंटू में मास कितना दिया हुआ इसका 50 दिया हुआ है ऐसा ही काम करना है बाकी सब टाइम पास है। अब देखिए इसको इधर काम खत्म लीजिए आइए काम खत्म करते हैं। मोलर मास ऑफ बी बराबर में क्या है भैया 5 पॉइंट में 12 इंटू में क्या करेंगे जी 1000 डिवाइड में क्या करेंगे 0.40 इंटू में कुछ बचा है ये बचा हुआ है जी 50। अब ईमानदारी से बताओ भैया पढ़ने वाला बच्चा समझ गया इस जीरो से जीरो काट देंगे यहां देखो 1 0 2 0 और 2 0 से 2 0 निपटा देंगे और हमारे पास यहां पे देखो इसको काटेंगे कितना आया 2 और इसको काटेंगे कितना आया 2 और इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास ये वाला आ गया हमारे पास 5 का 2 और हमारे पास इधर जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास 1 बन जाएगा 5 और इधर 6 यानी मोलर मास हमें कितना आया मोलर मास ऑफ बी कितना आया 256 ग्राम पर मोल आया। धड़ाधड़ निकालो आंसर ऐसे ही खटाखट आंसर निकालो और ऐसे ही आंसर निकालने के लिए हमारे पास सेशन से जुड़ सकते हैं जो कि टॉप 5 न्यूमेरिकल देने वाला हूं। अभी तक न्यूमेरिकल तो आपने बहुत किया होगा ये जलवा तरीका देखिए और बाकी का जो कुछ और चाहिए तो हमें बताइएगा तब हमारे पास मिलते हैं समय आ गया है थैंक यू ओमी सर बोलने का और हमारे पास आज का सेशन खत्म होता है तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।